हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे, जो कि एग्जैक्टली हम लोग कहें जो कॉन्सेप्ट लग रहा है वो क्वेश्चन नंबर 7 वाला ही लग रहा है, बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। जानते हैं भाई साहब ये क्या कह रहा है, मजा आ जाएगा इसको सॉल्व करके, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल। देखो क्या कह रहा है, ध्यान से देखो कि 2025 प्लांट, ये जो प्लांट होता है, ये जो ऐसे 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 गुला लगाते नहीं, ये प्लांट है, ठीक है। कह रहा है 2025 प्लांट्स आर टू बी प्लांटेड, इन प्लांट्स को क्या किया जाएगा, प्लांट किया जाएगा। कहां करेंगे प्लांट को? सैंड में, ठीक है। क्या किया जाएगा, क्या किया जाएगा, क्या किया जाएगा भाई साहब, अब आप बताना, प्लांट किया जाएगा कहां पे? इन अ गार्डन, गार्डन में लगाया जाएगा, ठीक है। इन सच अवे, इस तरीके से लगाया जाएगा भाई साहब। अब ये समझने वाली बात है, अब मजा आएगा आपको, दैट ईच रो कंटेन्स एज मैनी प्लांट, हर एक रो उतने ही प्लांट, हर एक रो में उतने ही प्लांट लगाए जाएंगे, कितने? एज द नंबर ऑफ रोज, जितने नंबर ऑफ रोज हैं, रोज मतलब गुलाब वाला रो नहीं, यहां वाला रो, जितने नंबर ऑफ रो हैं उतने ही प्लांट लगाए जाएंगे हर एक रो में। इनके कहने का मतलब ये, अब देखो ध्यान से देखो, नहीं समझ में आ रहा सर जी ये क्या बता रहे हो, ठीक है। अधिकतर बच्चों को आता होगा, अधिकतर बच्चों को नहीं आएगा। तो देख लेते हैं, मान लेते हैं कुछ ये एक रो हो गई, ठीक है, ये कोई एक रो होगी, आहा ये कोई एक रो है, चलो ठीक है। फिर एक ये एक रो होगी, आहा ठीक, फिर एक ये एक रो होगी, आहा ठीक, फिर एक एक ऐसे रो होगी, आहा ठीक है। अगर ये मैं बात करूं सिर्फ चार रो होती, मान लेते हैं आपके स्कूल में सिर्फ चार रो है, ठीक है। ध्यान से देखो, कह रहा है कि यहां पे हर एक रो में, रो ये वन आर वन ले लेते हैं, ये आर टू ले लेते हैं, ये आर थ्री ले लेते हैं, ये आर फोर ले लेते हैं, कह रहा हर एक रो में उतने ही प्लांट लगाए जाएंगे जितने रो हैं। तो चार रो हैं तो हर एक में कितने प्लांट लगाए जाएंगे बताओ, हर एक में कितने प्लांट लगाए जाएंगे बताओ ना, हर एक में कितने प्लांट लगाए जाएंगे बताओ, चार प्लांट, तो हर एक में कितने लगाए जाएंगे, तो यहां पे एक, यहां पे एक, यहां पे एक, यहां पे चार हो गया, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, तो यहां पे कितने प्लांट लग रहे हैं, चार प्लांट हर रो में लग रहे हैं जब चार रो है। अब बताओ अगर एक्स रो होगी, अगर एक्स रो होगी तो हर यहां पे हर रो में कितने प्लांट लगेंगे, एक्स लगेंगे, हर में कितने लगेंगे, सब में एक्स लगेगा। अब देखो सब में एक्स है, इसमें भी एक्स लगा है, इसमें भी एक्स लगा है, इसमें भी एक्स लगा है, मान लेते हैं नंबर ऑफ रोज क्या है, एन है, एक्स की जहां एन मान लेते हैं, अभी देखो एक्स इज इक्वल टू एन कर लेते हैं, तो बताओ एक में है एक्स और कितने रो हैं, एन रो हैं, एक में एक्स है तो एन रो में कितना होगा, एन होगा, हाँ कि ना, एन रो में कितना होगा, एन होगा, एक्स इंटू एन होगा, आहा ठीक है। अब n की वैल्यू क्या है, क्या है, x है, मतलब दोनों इक्वल है, जितने यहां पे प्लांट लग रहे हैं उतने ही रोज हैं, इन अगर रो n है चलो कोई बात नहीं, बट ये क्वेश्चन कह रहा है कि रो की वैल्यू नंबर ऑफ प्लांट्स के बराबर है, मतलब अगर ये चार है तो नंबर ऑफ रोज क्या होंगी, चार होंगी। अगर नंबर नहीं समझ में आ रहा, देखो यहां पर मैं क्या बता रहा हूं, यहां पर मैं निकाल रहा हूं टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स, टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स हमें दिए हैं 2025, बट अगर मैं फॉर्मूले से निकालना चाहूं टोटल नंबर ऑफ प्लांट, अगर निकालना चाहें हम, ठीक है, वो क्या होंगे बताओ, वो क्या होंगे, इससे देखो टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स क्या होंगे, हर एक रो में कितने प्लांट लग रहे हैं, एक्स प्लांट लग रहे हैं, हां कि ना, सिर्फ एक रो में कितना लग रहा है, सिर्फ एक्स प्लांट लग रहा है, दो में कितना लगेगा, 2x लगेगा, तीन में कितना लगेगा, 3x लगेगा, फोर में कितना लगेगा, 4x लगेगा, फाइव में कितना लगेगा, 5x लगेगा। इसी तरीके से अगर रो एक्स है, एक्स नंबर ऑफ द रो है, तो एक्स में कितना लगेगा बताओ, एक्स इंटू एक्स ही तो लगेगा,
एक्स इंटू एक्स ही तो लगेगा, हाँ कि ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, जो कि है एक्स स्क्वायर। और ये क्या है, कितने नंबर ऑफ प्लांट है, टोटल नंबर ऑफ प्लांट है ये, तो ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो फॉर्मूले से निकाला तो एक्स इंटू एक्स जो कि क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है नंबर ऑफ रोज निकालने हैं। तो यहां पे एक बता रहा है, एक एक्स बता रहा है तो नंबर ऑफ रो बता रहा है, और एक यहां पे जो एक्स लिखा है ये बता रहा है क्या, ये बता रहा है कि नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो, एक ईच रो बता रहा है। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे एक्स स्क्वायर मिलेगा। ये जो इक्वल है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, वो इसकी वजह से है, ये वाला सच। अभी कुछ इस तरीके से प्लांट लगाया जा रहा है कि हर एक रो में, दैट ईच रो, हर एक रो कंटेन करती है क्या, एज मैनी प्लांट एज द नंबर ऑफ रोज। जितने रोज हैं उतने ही क्या कर रहे हैं, प्लांट लग रहे हैं हर एक रो में। जितने रो हैं उतने ही प्लांट लग रहे हैं क्या हर एक रो में, या फिर ये भी कह सकते हो जितने प्लांट हर एक रो में लग रहे हैं उतने ही रोज हैं। जितने प्लांट हर एक रो में लग रहे हैं उतने ही रोज हैं, ठीक है, रोज और कॉलम समझो कि नहीं, वो वाले रो, ठीक है। चलो, तो इस तरीके से हमने समझा, तो हमें क्या मिल गया, ये वैल्यू मिल गई, ठीक है, हमें ये वैल्यू मिल गई। क्या मिला है हमें, इन दोनों को इक्वल कर दो, ठीक है, इन दोनों को इक्वल कर दो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2025 हो जाएगा। यहां से हमें क्या चाहिए था, नंबर ऑफ रोज चाहिए था, देख लो, नंबर ऑफ रोज चाहिए था एंड द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो, ये देखो ये भी पूछ लिया। तो हमें पता है ये निकालो चाहे ये निकालो, दोनों की वैल्यूज क्या होने वाली है, दोनों की वैल्यूज सेम होने वाली है, ऑब्वियस सी बात है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, एक्स क्या करेंगे, अंडर द रूट ऑफ 2025 कर दो। अब इसको कैसे निकालेंगे भाई साहब, कुछ नहीं होता है, पैर पर जो ध्यान से देखो, नहीं समझ में आ रहा सर जी, इसको कैसे निकालेंगे, ये तो मैं भूल गया, ये कैसे निकलता है, तो ये कैसे निकलता है, बहुत सरल होता है, ध्यान से देखो, हम लोग 2025 का क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 2025 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो ये क्या हो जाएगा, 5, तो 5 4 20, 2 चल जाएगा 5 5 25, फिर 5 8 45 बन जा। अब ये जो भाई होंगे आप 3 से काट लो, बट हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, हम सीधा 9 से 9 9 81 9 9 81, थोड़ा चीटिंग कर लेते हैं। तो ये भी आ जाता है, ये आ जाएगा क्या, प्राइम पीएफ क्या आ जाएगा आपका, बताओ प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ जाएगा, 5 5 9 9 आ जाएगा। अब हमें पता है क्या कि 2025 को कैसे लिख सकते हैं, 5 5 9 9 लिख सकते हैं। तो अंडर रूट ऑफ 2025 क्या लिखा जा सकता है, इन दोनों का पेयर लिखेंगे यहां पे 5, इन दोनों का पेयर लिखेंगे यहां पे 9, 5 9 45, तो ये 45 का हमारा क्या है, 45 आएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 45। तो यहां पे जो 45 है वो क्या है, 45 नंबर ऑफ रोज भी हैं और 45 नंबर ऑफ प्लांट्स भी हैं ईच रो में, ठीक है। तो नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 45, नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रोज भी कितने हैं, 45 ही है। उम्मीद, देखो यहां पे उम्मीद कर रहा हूं कि समझ में आएगा, यहां पे ये जो ये लाइन लिखी है ना, ये मैं दिखा देता हूं, इसको समझ जाओ बस, ये वाली लाइन यहां से लेके यहां तक और ये वाली लाइन यहां से लेके यहां तक, अगर इसको समझ जाओगे तो समझ में आ जाएगा, और कुछ नहीं है यहां पे, क्या है यहां पे, सिर्फ यही देखो, यहां पे हम खत्म कर सकते थे सीधा सीधा कह के, कि सीधा सीधा मैं कहता कि अगर 2025 का क्या कर लो प्यारे बच्चों, स्क्वायर रूट ले लो, आंसर आ जाएगा 45, और यही 45 है आपका आंसर, यहीं पे छोड़ देता, ना समझ में आता, बट मैंने बताया है कॉन्सेप्ट, क्यों ये 45 आ रहा है। अब ये बताओ, हमारे पास टोटल प्लांट जो हैं लगे हुए हैं वो कितने, 2025 हैं। अगर मैं फॉर्मूला, अगर मुझे ना पता होता, जस्ट सपोज मुझे ना पता होता कि 2025 प्लांट लगे हैं, सिर्फ इतना पता होता है कि सच अवे प्लांट्स आर प्लांटेड
प्लांट्स को प्लांट किया गया है कुछ इस तरीके से, क्या, इन सच अ वे दैट ईच रो कंटेन्स एज मेनी प्लांट एज द रो, हर रो उतने ही प्लांट लगाए जाते हैं हर एक रो में जितने रोज हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स कैसे निकल के आता, बताओ प्यारे बच्चों, टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स निकल के आते हैं कि एक रो में कितने हैं, कितने एक रो में कितने प्लांट लग रहे हैं, तो वो हो जाता प्यारे बच्चों एक्स, मान लेते एक्स हो जाता, कितने कितने क्या है, कितने रोज हैं, तो रोज अगर मेरे पास कितने हैं प्यारे भाई, एन है, चलो ठीक है एन है, ठीक मान लेते हैं एन है, बट यहां पे क्वेश्चन में कह रहा था कि जितने आप प्लांट लगाओगे हर एक रो में, उतने ही रोज भी होंगे, इसका मतलब x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी n के, तो x1 into x1 वो क्या हो जाएगा, x1 का स्क्वायर कह लो या फिर x x का स्क्वायर कह लो, 1 1 की जगह, ठीक है x का स्क्वायर कह लो, और ये x का स्क्वायर क्या है, टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स हैं, और टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स क्या है, 2025 अब हमें क्या निकालना था, x की वैल्यू निकालनी थी, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 2025, जो कि अभी अभी हमने निकाला है वो होता है 45। अब ये 45 ये x बता रहा था हमारा, एक बता रहा है हमारा, x बता रहा है नंबर ऑफ रोज को, नंबर ऑफ रोज को बता रहा है, और एक x बता रहा है हमारे पास क्या, नंबर, ये बता रहा है नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो, जो कि क्या है बच्चों 45। तो उम्मीद कर रहा हूं, थोड़ी सी उम्मीद कर रहा हूं आपसे कि आपको ये चीज समझ में आई होगी, काफी बच्चों को नहीं समझ में आया होगा ये मैं अभी भी क्या बता रहा हूं, काफी बच्चे होंगे, तो टेंशन मत लो, एक बार देखो नहीं आया, दो बार देखो नहीं आया, तीसरी बार देखो तो आना शुरू हो जाएगा, आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा क्या मैं कह रहा हूं, काफी बच्चों को तो आ भी गया होगा ये चीज, क्योंकि हम लोग यही चीज क्वेश्चन नंबर 7 में भी करके आ रहे हैं यहां पे। तो मेरे प्यारे बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए क्या करना, आप अपना ख्याल रखो, रो धो मत, अपना ख्याल रखो, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, अगर ये ना समझ में आया तो इसे रिवाइज करना मत भूलना, तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।